नमस्कार, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं दी कटाप। बुलेटिन में नजर डालेंगे बंगाल की बड़ी खबरों पर। बंगाल में गुरुवार को दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में दो दो चुनावी रैली को संबोधित किया और रैली संबोधित करते हुए पीएम ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा, ये दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दीदी अभी भी आखिरी चरण के लिए नामांकन का समय बाकी है। जरा बताइए कि अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी और सीट पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, क्या ये सच है? दीदी अपनी हार मान चुकी है, ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। गुरुवार को बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगभग दो घंटे एक बूथ में फंसी रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उन्हें वहां से निकाला गया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर नंदीग्राम में गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया और वहां के हालात की राज्यपाल जगदीप धनखड़ को कोलकाता फोन करके जानकारी दी। इसके बाद राज्यपाल ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया है और उन्होंने कानूनी व्यवस्था का पालन भी करने का आश्वासन दिया। नंदीग्राम टीएमसी उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोयल पोलिंग बूथ पर हुए हंगामे के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि स्थानीय लोगों को मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया गया है और बाहर के लोग आकर बूथ पर हंगामा मचा रहे हैं। तो वहीं अपनी जीत का दावा करते हुए ममता दीदी ने कहा कि नंदीग्राम में उनकी जीत होगी, लेकिन उन्हें जीत हार की चिंता नहीं है बल्कि गणतंत्र रक्षा की चिंता है। लेकिन भारी गड़बड़ी के बावजूद 90% वोटिंग तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है। वो क्या करेगा बेचारा, वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए I am proud of them, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। फिर इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेगा और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले पब्लिक को गांव से नहीं आने दे तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम पुलिस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा, ऐसा खराब इलेक्शन हम कभी नहीं देखा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। अभिषेक ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए कई नेता दिल्ली से बंगाल आ रहे हैं, मैं उन्हें बंगाली में केवल दो मिनट बोलने के लिए चुनौती देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश में किसी भी हिस्से में हिंदी बोलने के लिए तैयार हूं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की आगे की दिशा तय करेंगे। तो वहीं राउत ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि असम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है लेकिन कांग्रेस उसे कड़ी टक्कर दे रही है, पर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वह एक शेरनी की तरह लड़ रही है और यकीनन एक विजेता के तौर पर उभरेंगे। बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए दी कटाप। हमारे दी कटाप चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।